मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं उसने कई जगह एडमिशन भी किया है कि मैंने ये काम किया है, और एडमिट भी किया है कि जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं वो मेरे थ्रू ही है, मैंने ही किया है वो काम। जहाँ एविडेंस कि इसमें तो एविडेंस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। बट मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम ऐसे समाज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं करते। आज हमारी बच्चियां अगर इस तरह से कत्लेआम होंगी तो वो किस पे ट्रस्ट करेंगी? एक प्यार का रिश्ता था उस बंदे के साथ, अगर उस लड़के ने उस प्यार को इस तरीके से अंजाम दिया तो मेरे ख्याल से प्यार करना ही गुनाह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये बहुत हीनियस क्राइम था और है, और आगे भी अगर हमने इसको रिजल्ट तक नहीं पहुंचाया तो औरों को भी मौका मिलेगा इस तरह से करने का, और मिला भी है। उसके बाद भी एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स को भी कम से कम टाइम लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए समाज में कि अगर इस तरह का हीनियस कर्म कोई भी करता है, हीनियस रेप है या कत्लेआम है, कुछ भी करता है, उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर उसको फांसी की सजा खुलेआम देनी चाहिए। जब तक आप समाज में इस तरह की फीलिंग्स नहीं लाएंगे ना, लोगों में डर नहीं आएगा। आप देखिए जितनी भी मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात करती हूँ वहां पे भी ऐसे काम नहीं होते होंगे जो एक हिंदुस्तान में हुआ, जो कि एक ओपन स्टेट है, ओपन कंट्री है, जहां पे कोई रोक टोक ही नहीं है। वहां पे भी अगर इस तरह के इंजाम होते हैं और इस तरह से काम किए जाते हैं तो मैं समझती हूँ ऐसा हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और कोर्ट को भी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं चेंजेस की जरूरत है।